हरिद्वार में कई ऐसे मंदिर है जिनका इतिहास काफी रहस्यमय है। ऐसा ही एक मंदिर हरिद्वार के कनखल में है जिसका इतिहास रहस्यमय बताया जाता है। हरिद्वार की उपनगरी कनखल में स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है जो हर महीने 15 दिन बढ़ता और 15 दिन ही घटता है। दक्ष नगरी कनखल में स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर की कथा महादेव से जुड़ी है। हरिद्वार की उपनगरी कनखल में सती घाट पर गंगा किनारे बने तिलभांडेश्वर मंदिर की कहानी प्राचीन है। श्रद्धालुओं के माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुनिए क्या कहते हैं श्रद्धालु। यहाँ तो आके सब कुछ मिल जाता है, साक्षात भोलेनाथ यहाँ विराजमान है और इनकी महत्वता बहुत ही ज्यादा है। कहते हैं कि और देखा भी है, लोगों ने नोटिस भी किया कि हर 15 दिन बाद तिल के बराबर शिवलिंग बढ़ता है और हर 15 दिन बाद फिर तिल के बराबर ही छोटा हो जाता है। और बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, यहाँ के जो सुख शांति मिलती है वो बहुत ही दुर्लभ है, आप ऐसा समझो। गंगा जी का किनारा है, गंगा जी का तट है और जब कल कल करती गंगा जल की आवाज़ आती है गंगा जी की और यहाँ भोलेनाथ के पास आप ध्यान लगा के बैठे तो जो चाहो वो मिलता है। अब तो हम तो बहुत काफ़ी दिन से आते हैं यहाँ पर और दोनों टाइम आते हैं, जो मनोकामना पूरी होती है इस चक्कर में आते हैं, जो मांगते हैं वो मिलता है। मैं 20-21 साल से आती नहीं, शांति है मेरे घर परिवार में, सब सुख शांति है, इस चक्कर में मैं आती हूँ, सब लोग आते हैं। जारी बताते हैं कि मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है जो हर महीने की शुक्ल पक्ष से 15 दिन तक तिल तिल कर बढ़ता है और हर महीने की कृष्ण पक्ष से 15 दिन तक घटता है। जब महादेव कनखल आए थे तो उनका आकार विशाल महाकाल के जैसा था। महादेव ने इसी स्थान पर अपने विशाल महाकाल रूप को सूक्ष्म रूप में किया था। उसके बाद यहाँ पे जो सती ने अपना देह त्याग कर दिया था, सती के त्याग करने के बाद भगवान शंकर बहुत ही विकराल रूप में आ गए थे। उसके बाद जब भगवान शंकर यहाँ पर आए उन्होंने अपना रूप सूक्ष्म किया तो इसलिए यहाँ का नाम तिलवर्धनेश्वर पड़ा। तिलवर्धनेश्वर नाम पड़ा शास्त्रों में, तिलवर्धनेश्वर नाम यहाँ का है। उसके बाद फिर जो आम जनता के उससे लिया नहीं गया नाम तो इस कारण फिर तिलभांडेश्वर हो गया धीरे धीरे प्रचलन में। तो ये शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में घटते हैं। बताते हैं कि सभी जो भक्त यहाँ पर आते हैं, सैकड़ों भक्त आते हैं, तो सभी लोग यही बोलते हैं कि यहाँ पर मतलब 40 दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, या तो पूरे विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। पुजारी बताते हैं कि 40 दिन लगातार मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। न्यूज 18 लोकल के लिए ओम प्रयास हरिद्वार।